हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, मेरा नाम है सूरज, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, और आज जा रहा हूँ मैं ससुराल। तो आई एम गोइंग टू ससुराल। गाइस, चलते हैं फिर नया के साथ। ओके, चलिए अभी मेरे साथ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, हमने निकाल लिए अपनी पल्सर 125, इसी पर जाएंगे हम ससुराल में, और नेहा आपको दिखाएंगे अपनी ससुराल। प्लीज बने रहना लास्ट तक व्लॉग में, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है ससुराल का। अब देखे चलते हैं हम अपनी बाइक पे मस्त एकदम। देखे बाइक का कलर भी ब्लैक है, और मैंने भी जो है ब्लैक ही पहना है आज, क्योंकि ब्लैक तो सबकी फेवरेट ही होता है, जैसे आप लोगों को पता है। ब्लैक और वाइट तो एकदम जचता है भाई साहब। तो ठीक है, चलते हैं। ये हमारा घर, और हमने बाइक कर लिया स्टार्ट। अभी नेहा भी आएगी, और अब हम चलते हैं ससुराल। ठीक है गाइस, तो दोस्तों हम आ गए हैं पुल पर। ये सुराने वाला पुल है, और यहाँ पर हंडन नदी जा रही है। हम इसके ऊपर आ चुके हैं गाइस, अभी हम रस्ते में और जा रहे हैं ससुराल। तो गाइस ठीक है, वैसे एक बात तो है गाइस, हमें कहीं भी जाना हो, यदि हम बाइक से जाते हैं ना, तो मतलब बाइक से जाने का मजा ही कुछ और है गाइस। ठंडी ठंडी हवा लगती है, चारों तरफ अपने सीनरी देखते हुए चलते हैं भाई, आसपास में क्या है। बाइक से जाने का मजा ही कुछ और है, मतलब जो फीलिंग है ना, वाह क्या बात है गाइस। सफ़र में जो मज़ा आता है ना, वो मंजिल में पहुंचने पर मतलब इतना मज़ा नहीं आता जितना गाइस सफ़र में मज़ा आता है। तो गाइस, हम आपको सफ़र में मज़ा देंगे और दिखाते चलेंगे कि रास्ते में क्या क्या है। देखिए, जैसे सुराना वाला गांव है, रास्ते में बहुत ज़्यादा या क्या नाम है, रेत पड़ता है गाइस, पहिए वहीं फिसल जाते हैं बाइक के आराम से। देख सकते हैं आप, इतना रेत है ना, यहाँ पर बाइक भी नहीं चल पाती। तो गाइस, रास्ते में दिखाएंगे हम क्या क्या हुआ हमारे साथ, क्या क्या मिला हमें रास्ते में। जैसे ये हिंडन नदी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी नदी है, बहुत लंबी, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है नदी। अभी हमारे पास का गांव आ चुका है, ये सुराना, और यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा गांव है ये। सुराना के कब्रिस्तान है यहीं पे, मतलब लोगों को जो है इनका वो करते हैं, आपको पता होगा जिससे। तो गाइस देखिए, गांव में तो पता ही है बुग्गी वगैरह ये सब होती हैं। देखते चलिए और सफ़र का मज़ा लीजिए गाइस हमारे साथ। ओके गाइस, ये सुराना गांव आ चुका है। वैसे गाइस, गांव में भी एक अपना अलग ही मज़ा है, मतलब दोस्त वगैरह होते हैं गांव में, पूरे दिन घूमते रहो, इधर जाओ उधर जाओ, ट्वेल्व पहनाओ ये वो, मतलब गाँव का एक अपना अलग मज़ा है यार। वो मज़ा शहर में कहाँ मिलेगा, जो गाँव में मिलता है यार घूमने में। मान तो नहीं मानते इस बात को आप गाइस। ये मैं क्या नाम है, गाजियाबाद जिले में चल रहा हूँ। ये क्या नाम है, गेट आ चुका है, ये सुराना वाला गेट है, ये हमने पार कर लिया, और ये मेन रोड आ चुका है, मेरठ मुरादनगर रोड है, ये मुरादनगर वाला रोड है। वैसे आगे जाके मेरठ गाजियाबाद वाला रोड भी मिल जाता है ये रास्ता। तो देखिए आप, देखिए काफ़ी चौड़ा रोड बनाया गया है, ये काफ़ी तरक्की आ रही है इधर गाजियाबाद में। हमारे भागपत जिले में तो कहाँ यार तरक्की वरक्की है, गाँव में यार बरसों से ऐसे ही पड़ेगा, बचपन से देखते आ रहे हैं यार हम, कोई तरक्की वरक्की नहीं हो रही उधर भागपत जिले में। तो हमारा तो यार पूरा ऐसे ही है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या ना मस्त एरिया है एकदम, गाजियाबाद में काफ़ी तरक्की हो रखी है, एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा लगता है यार। यहीं पर हुई अपनी शादी, तो भाई गाजियाबाद में एकदम मस्त एरिया। तो चलते हैं गाइस, आप देखते रहिए, सफ़र का मज़ा लीजिए। और मतलब एक बात तो है, अगर आप बाइक पर जा रहे हो ना, एक गाना हो जाए, गाना गाते हुए जाते हो तो क्या मज़ा आ जाता है, मानते नहीं मानते हो? हेलो गाइस, मैं कर देता हूँ एक सॉन्ग स्टार्ट, और आप सफ़र का मज़ा लीजिए और गाने सुनिए, क्योंकि गाने के साथ जो सफ़र का मज़ा है ना, क्या कहने जी। तो आप देखते रहिए, लीजिए सफ़र का मज़ा, मैं चलाता हूँ एक गाना। ओके गाइस ठीक है, तो फिर चलते हैं। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों, आई होप आपको गाने में मज़ा तो आया होगा गाइस। तो ठीक है, चलते हैं फिर सफ़र का, लीजिए मज़ा गानों के साथ। गाइस ये मैं आ गया हूँ, रावली आ गया हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगती है, जो मतलब रावली का काफ़ी अच्छा वो है यहाँ पर, मतलब बाजार बाजार लगता है सही यहाँ पर, मतलब आप कह सकते हैं रावली एक कस्बा है, कस्बा टाइप है, मतलब हर तरह की दुकानें वकानें मिल जाएगी आपको यहाँ पर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है रावली, मतलब कस्बा टाइप है अपने, गांव वाँव तो यार ऐसे ही होता है। ये हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं गाइस, सबसे पहले भरवाते हैं पेट्रोल, क्योंकि बिना पेट्रोल कहाँ गाड़ी चलेगी। अरे जब तक हम खाएंगे नहीं, एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ठीक वैसा ही हिसाब है अपनी बाइक का भी, तो भरवा लेते हैं इंडियन पेट्रोल पम्प से अपनी बाइक में तेल। गाइस तेल भरवा लिया है बाइक में, और पहुंचने वाले हम ससुराल, और मारते हैं आउट आओ ससुराल में। चलो देखते हैं, चलते हैं फिर। गाइस एक्चुअल में क्या हुआ, हमारा जो साल आया है मानसू गाइस, उसकी बाइक की जो है
टक्कर लग गई थी। टक्कर क्या ला, ये गाइस बाइक के नीचे ना कुत्ता आ गया था, वो बाइक चला रहा था और उन्हें चोट लग गई गाइस। तो हमने देखने आए थे मम्मी को और हिमांशु को, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है गाइस। इनके पैर से उठा भी नहीं जा रहा, मम्मी के पैर से पैर में बाल आ चुका है और क्या नाम है हिमांशु के भी चोट लग गया। तो गाइस नाश्ता करते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर इनसे बातें करेंगे, ठीक है गाइस, ओके। हेलो गाइस, चोट बहुत ज़्यादा है, मम्मी के पैर में बाल आ चुका है गाइस। अब हम गाइस घर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने देखा लहर जो है डांस कर रही है गाने पे मस्त, तो लहर का डांस देखते हैं गाइस। क्या कह रही है? कैसा लगा आपको लहर का डांस? ये मेरी भतीजी प्यारी सी। तो गाइस ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल ताकि हम लाख लोगों के लिए ब्लॉग ला सके। और अब व्लॉग करते हैं समाप्त, ओके गाइस, बाय बाय।